आपको प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा नहीं है। मैंने उस पत्रकार से कहा, मैंने कहा चलिए आपकी बात मान लेते हैं, प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा करते हैं, आपसे ही शुरू करते हैं सबसे पहले। मैंने कहा 15 लाख आपके खाते में आ गया, बोले नहीं आया। मैंने कहा काला धन आ गया, बोले नहीं आया। मैंने कहा 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल गया, बोले नहीं मिला। मैंने कहा जीएसटी से दूसरी आजादी मिल गई, बोले नहीं मिला। अरे मैंने कहा नोटबंदी से देश की तकदीर तो बदली होगी, बोले नहीं बदली। मैंने कहा गन्ना किसानों का बकाया मिल गया, बोले नहीं मिला। मैंने कहा 1 रुपए भी 4 साल में गन्ने का दाम बढ़ा, बोले नहीं बढ़ा। मैंने कहा C2+50% स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो लागू हुई होगी, बोले नहीं हुई। तो मैंने कहा बताओ ऐसे झूठे आदमी का भरोसा कैसे। उनसे किसान सड़क पर बैठ के गिड़गिड़ा रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है। इनका एक विधायक कहता है इन लोगों को तो सूट कर देना चाहिए, इनको जूते से मारा जाएगा। गुंडागर्दी की पराकाष्ठा, अहंकार की पराकाष्ठा। 200 लोगों की शहादत हो चुकी है इस किसान आंदोलन में, और देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर कहता है ये आंदोलनजीवी लोग हैं, आंदोलनजीवी। मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आंदोलन नहीं किया होता, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन नहीं किया होता, अगर शहीद आजम भगत सिंह ने आंदोलन नहीं किया होता, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन नहीं किया होता, अगर शहीद अफाकुल्ला ने फांसी के फंदे को नहीं चुमा होता, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन नहीं किया होता, तो ये मुल्क आजाद नहीं होता। संसद में नहीं होते और ऐसे आंदोलन जीवियों का मजाक नहीं उड़ा रहे होते। खुली हवा में जो हम आप सांस लेते हैं, ये आंदोलनजीवियों की बदौलत लेते हैं। ये लोकतंत्र हमें जो मिला, ये आंदोलनकारियों की बदौलत मिला। ये संविधान जो हमें मिला, ये आंदोलनकारियों की बदौलत मिला। इसलिए मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा, यहां भी कह रहा हूं, हम आंदोलनजीवियों को सर झुका के प्रणाम करते हैं। उन्होंने कभी अंग्रेजों की दलाली नहीं की, उन्होंने कभी अंग्रेजों की दलाली नहीं की, उन्होंने कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। उन आंदोलनकारियों ने हिंदुस्तान को आजाद कराया, हम उनको सर झुका के प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। साथियों और दोस्तों, कहा जा रहा है इस बिल में काला क्या है, मैं पूछना चाहता हूं उस बिल में सफेद क्या है, क्या नहीं है इस बिल के अंदर काला। आपने एमएसपी की गारंटी का एक शब्द इस बिल के अंदर नहीं लिखा। मोदी जी कहते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। मैंने कहा झूठा था, झूठा है, झूठा ही रहेगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, मुझसे एक पत्रकार बंधु ने कहा, संजय सिंह जी, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, आपको प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा नहीं है। मैंने उस पत्रकार से कहा, मैंने कहा चलिए आपकी बात मान लेते हैं, प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा करते हैं, आपसे ही शुरू करते हैं सबसे पहले। मैंने कहा 15 लाख आपके खाते में आ गया, बोले नहीं आया। मैंने कहा काला धन आ गया, बोले नहीं आया। मैंने कहा 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल गया, बोले नहीं मिला। मैंने कहा जीएसटी से दूसरी आजादी मिल गई, बोले नहीं मिला। अरे मैंने कहा नोटबंदी से देश की तकदीर तो बदली होगी, बोले नहीं बदली। मैंने कहा गन्ना किसानों का बकाया मिल गया, बोले नहीं मिला। मैंने कहा 1 रुपए भी 4 साल में गन्ने का दाम बढ़ा, बोले नहीं बढ़ा। मैंने कहा C2+50% स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो लागू हुई होगी, बोले नहीं हुई। तो मैंने कहा बताओ ऐसे झूठे आदमी का भरोसा कैसे।